आज से 10 साल पहले तबाही का वो मंजर दुनिया ने देखा, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। केदारनाथ की जमीन पर आसमान से आफत बरसी, तबाही की तस्वीरें कुछ यूं नजर आई। मानो हिमालय के जलजले ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे, गाड़ियां कागज की कश्तियों की तरह बह रही थी। साल 2013 के जून महीने में आए कुदरत के इस कहर ने उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों पर बसे भोलेनाथ के दरबार में भयानक तबाही मचाई थी। नमस्कार व्यूअर्स, आज हम आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराने ले चलेंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ कितना बदल गया है, क्योंकि तो याद करिए 10 साल पहले जो त्रासदी आई थी, जो त्राहिमाम हुआ था, हजारों लोगों की जान चली गई थी, बादल फटने के बाद किस तरह से घटनाक्रम केदारनाथ जी में बदल गया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे। और आज इस समय हम मौजूद हैं फाटा में, और फाटा से हम सीधा चलेंगे इस हेलीकॉप्टर में बैठकर केदारनाथ जी, वहां पर जाके देखेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ जी कितने बदल गए हैं, यानी वो धाम कितना बदल गया है, बीते 10 वर्ष में कितना काम हुआ है। ग्राउंड जीरो से उसकी सबसे सटीक जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक पत्थर था, कहते हैं कंकर कंकर शंकर है, एक पत्थर था, एक शिला थी जिसने उस मंदिर को बचा लिया था। वो शिला कौन सी थी, उस शिला का महत्व क्या था, जानने समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे कि उस शिला ने कैसे केदारनाथ जी को बचा लिया था। वो शिला क्या वाकई अलौकिक है, देखिए मेरे साथ आज का ये विशेष एडिशन। मौजूद है आज केदारनाथ धाम में। बीते 10 साल में केदारनाथ धाम कितना बदल गया है, याद करिए पिछले 16-17 जून 10 साल पहले कितनी बड़ी महात्रासदी आई थी, लेकिन उस त्रासदी के बाद केदारनाथ कितना बदल गया है, वहां पर किस तरह का काम हुआ है। केदारनाथ मंदिर की 3 लेयर की प्रोटेक्शन हो गई है, मंदाकिनी नदी के पास भी एक दीवार खड़ी करी गई है। केदारनाथ धाम के आज आपको हम दर्शन कराएंगे, तो इस खास एडिशन में आपका अभिनंदन है, इस खास कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। हम आपको आज केदारनाथ जी के दर्शन के लिए ले चलेंगे। जैसा मेरा आपसे प्रॉमिस था, वादा था, जय बाबा केदारनाथ जी की, मैं आपको केदारनाथ धाम लेके आ गया हूँ। और 10 साल पहले जो महात्रासदी आई थी, उसका असर इतना भयावह था कि कई लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के ऊपर दीवार बन गई है, यानी 3 लेयर प्रोटेक्शन हो गई है इस भव्य और दिव्य मंदिर की। अब ये धाम और भव्य और दिव्य हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी बीते 9 सालों के अंदर 6 बार बाबा केदारनाथ के दरबार आ चुके हैं, और साथ ही साथ उनका स्पेशल फोकस रहता है यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए। हम कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा, 10 साल पहले जो था उससे बहुत भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है। और मैं इस समय दर्शन करके आ रहा हूँ, अलौकिक है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। हमारे देश में तो कहा जाता है कि कंकर कंकर शंकर है, और जब भोलेनाथ के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में मैं खड़ा हूं, तो यही कह सकता हूं कि ये देश भोलेनाथ का है और ये देशवासी भी भोलेनाथ के हैं। हम जैसा केदारनाथ धाम पे हैं, 10 साल पहले भयावह त्रासदी आई थी, कितनी बड़ी त्रासदी थी और क्या असर था? बहुत विकराल त्रासदी थी, बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया था।
काफी कुछ पुनर्निर्माण हो चुका है यहाँ पर, और धीरे धीरे करके जो है धाम की भव्यता वापसी हो रही है। भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। हाँ, आपको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। कितनी भीड़ बढ़ी है? 4 गुना ऑलमोस्ट हो गया है पहले से, लगभग 4 गुना ऐसा लगता है। तो अभी जो भक्त आ रहे हैं, मौसम साफ है अभी? हाँ मौसम साफ है, लेकिन सूरज भगवान ने दर्शन अच्छे आज मौसम अच्छा है, लेकिन मौसम जो है तुरंत जो है यहाँ पर बदल भी जाता है। दो हजार 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 6 बार आए हैं और कार्यों का, निर्माण कार्यों का लगातार जायजा लेते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष फोकस रहता है केदारनाथ के पुनरुत्थान पर और इसकी रीडेवलपमेंट पर, और हम उसका जीता जागता सबूत देख रहे हैं। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था और आज की स्थिति क्या है। और समझाने के लिए कोई और नहीं, मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। धामी जी, एक सवाल, मतलब 10 साल पहले जो त्रासदी हुई और उसके बाद अब इतना दिव्य रूप इसका आ रहा है। प्रधानमंत्री का तो विशेष ध्यान रहता है पूरे पूरे देश पे एक तरफ और केदारनाथ धाम पर एक तरफ। क्या आपको लगता है कि अब ईश्वर न करे, महादेव न करे, इस तरह की त्रासदी आए, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो पूरी तरह से सुरक्षित है बाबा का दरबार? बहुत कठिन सफर था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा शक्ति थी और भगवान महादेव का बाबा केदार के उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था, इसलिए बाबा ने अपने भक्त को ही इस परिसर के पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान किया और प्रधानमंत्री देश के बने, और उनके बनने के बाद एक नया स्वरूप बाबा केदार का यहाँ पर बन गया है। तो आप लोग मार्च से यहाँ पर हैं? एक्चुअली मैं अमीश भाई, यहाँ पर क्या है, इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, जब अभी बर्फ पड़ती है तो ये समझ लीजिए कि 2-3 महीना काम करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो 2-3 महीने कैसा होता है काम करना, अगर आप बता पाए? सांस फूलने लगती है ना? सांस फूलने लगती है। सारा जब त्रासदी आई थी, उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जब त्रासदी आई थी तो उसके साथ ये सारा बह गया था, ये पूरा का पूरा सारा क्षतिग्रस्त हो गया था, केवल यहाँ पर जो है ये भगवान का प्रांगण ही शेष रह गया था। दर्शकों, व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं आज हम केदारनाथ धाम में हैं और हमने आपको आज दर्शन कराए केदारनाथ धाम के। और जब हम केदारनाथ धाम से आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस तरफ पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ हैं, बहती हुई नदी आपको दिख रही है, बर्फ से ढके पहाड़ आपको दिख रहे हैं और बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है और यहाँ पे मौसम अचानक बदल जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, मौसम यानी जो वेदर है वो कभी भी बदल सकता है और उसके बदलने के बाद बहुत सी चीजें रुक जाती हैं, हेलीकॉप्टर रुक जाते हैं, यात्रा रुक जाती है, तो उसका बहुत इंपैक्ट होता है। शायद महाप्रलय मंदिर सहित सब कुछ निगल लेता अगर एक चमत्कार नहीं होता। तो इस तरफ आपको नदी दिखी और इस तरफ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं, तो यही है खूबसूरती। और इन पहाड़ों के बीच, इन झरने, इन नदियों के बीच है बाबा केदारनाथ का ये धाम। लेकिन 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं बचा था, बचा था तो सिर्फ बाबा का ये धाम, बाबा का ये मंदिर, ये पूरा प्रांगण समाप्त हो गया था। लेकिन कहते हैं एक शिला थी, एक पत्थर था जिसने बाबा की रक्षा कर दी। क्या मान सकते हैं आप, हम वही कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। और 10 साल में चीजें इतनी बदली और काम इतना शानदार हुआ कि आज बहुत सी चीजें हैं, यानी एक शिला आई, वो शिला का नाम दिया गया भीमशिला।
अब हम उस भीमशिला की तरफ चलेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे भीमशिला ने बाबा केदारनाथ के उस मंदिर परिसर की रक्षा करी। नदी बहती है, एक सिरशिला आके रुक जाती है और पानी के बहाव को दो भागों में बांट देती है और मंदिर जस का तस खड़ा रहता है। यह है महादेव की कृपा, यह है भोलेनाथ की कृपा। इसी तबाही के बीच एक विशाल काय चट्टान किसी चमत्कार की तरह मंदिर के पीछे आकर टिक गई, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी दो भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। उस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन ये चट्टान जस की तस रही। और ये है वो प्रसिद्ध भीमशिला जब 10 साल पहले महात्रास दी आई थी, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर बच गया था। कहते हैं ये शिला यहाँ पर आके अटक गई और इसने पानी को दो तरफ बहाव को बहा दिया, जिससे मंदिर बच गया। इसीलिए शिला का नाम भीमशिला कर दिया। ये है हिंदुस्तान की अद्भुत आस्था, जिस शिला ने बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। आज आप उस शिला को देखेंगे, 10 साल बाद जो बाबा केदारनाथ के धाम आता है वो इस शिला को प्रणाम करके जाता है। ये है भारत की संस्कृति। और मैं बार बार कहता हूं, हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ें नहीं बदल सकते। ये भारत की संस्कृति है, यानी जिस शिला ने रक्षा करी बाबा केदारनाथ के धाम की, मंदिर की, उसकी आज सब पूजा अर्चना करते हैं। ये टीके, ये चंदन, ये रुद्राक्ष, यहाँ लगातार आप देखते हैं कई पंडित बैठे हुए हैं, ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये प्रतीक है भारतीय संस्कृति का, जो रक्षक होता है उसकी पूजा की जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के सैनिक, चाहे वो थल जल या वायु सेना के हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, वो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको सैल्यूट करना बनता है। इसलिए जब लोग सेना पर सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस विशाल पत्थर को बाद में भीमशिला नाम दिया गया। भीमशिला की चौड़ाई करीब करीब मंदिर की चौड़ाई के बराबर ही है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। ओम नमो भगवते रुद्राय। हम मौजूद हैं आदि शंकराचार्य की समाधि पर। ये वही समाधि है जिसको कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका अनावरण करा है, और ये वही समाधि है जो खंडित हो गई थी जब बादल फटा था। आइए चलते हैं उधर। 12 फुट ऊंची आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है, जिसका अनावरण नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहां पर उनकी मूर्ति का स्थापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्थापन किया था। जय बाबा केदारनाथ। ये मूर्ति एक विशेष धातु से बनी है और किसी भी मौसम में टिक सकती है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। केदारनाथ में आई आपदा को 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में पीएम मोदी की देखरेख में केदार धाम की सूरत बदल गई है और ये बदलाव निरंतर जारी है। और अब हम बाबा केदारनाथ को प्रणाम करके यहाँ से चल दिए हैं बद्रीनाथ की ओर। कहते हैं केदारनाथ की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती
जब तक बद्रीनाथ के आप दर्शन नहीं करते, हम चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। और व्यूअर्स, जैसा मेरा आपसे वादा था, केदारनाथ धाम से अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, और यहां से हम आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन कराने लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर भी एक बड़ा प्लान है, क्योंकि यहां पर भी आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है और एक बड़ा प्लान करा जा रहा है बद्रीनाथ जी में। और हम पहुंच चुके हैं बद्री विशाल, और अब यहां से हम आपको वहां के दर्शन के लिए लेके चलेंगे। लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ा मास्टर प्लान है कि दूर से ही मंदिर के दर्शन हो जाए। आपको जो ये आसपास का इलाका लगा दिख रहा है, इसको खाली कराया जा रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम को के आसपास खाली कराया गया, उस तरह से इसको प्लान किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की इस पे हमेशा विशेष नजर रहती है। जैसा केदारनाथ पे मैंने आपको बताया था विशेष नजर रहती है, वैसे ही बद्रीनाथ के भी जो विकास है, जो वहां पर निर्माण हो रहा है, उस पे विशेष नजर रहती है। हम बद्री विशाल के दर्शन करके यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, दोनों जगह काम बहुत जोरों पर है। हालांकि आज सूरज देवता की असीम कृपा है, सूर्य की रोशनी अच्छी पड़ रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ के दर्शन तब तक संपूर्ण नहीं होते तब तक आप बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करते। तो फिलहाल आज इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे उम्मीद है मैंने आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ से जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई है वो आपको पसंद आई होगी। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।